चौदवां बयान। नौगढ़ और विजयगढ़ का राज पहाड़ी है, जंगल भी बहुत भारी और घना है। नदियाँ चंद्रप्रभा और कर्मनाशा घूमती हुई इन पहाड़ों पर बहती हैं। जा बजा खो और दर्रे पहाड़ों में बड़े खूबसूरती कुदरती बने हुए हैं। पेड़ों में साखू, तेंद, विजयसार, सनई, कोरिया, गो, खाजा, पेयार, जिगना, आसन आदि के पेड़ हैं। इसके अलावा परिजात के पेड़ भी हैं। मील भर इधर उधर जाइए तो घने जंगल में फंस जाइएगा, कहीं रास्ता न मालूम होगा कि कहाँ से आए और किधर जाएंगे। बरसात के मौसम में तो अजब ही कैफियत रहती है। कोस भर जाइए, रास्ते में 10 नाले मिलेंगे। जंगली जानवरों में सांभर, बारासिंगा, चीता, भालू, तेंदुआ, चिकारा, लंगूर, बंदर वगैरह के अलावा कभी कभी शेर भी दिखाई देते हैं, मगर बरसात में नहीं, क्योंकि नदी नालों में पानी ज़्यादा हो जाने से उनके रहने की जगह खराब हो जाती हैं और तब वे ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। इन पहाड़ों पर हिरण नहीं होते, मगर पहाड़ के नीचे बहुत से दीख पड़ते हैं। परिंदों में तीतर, बटेर आदि की अपेक्षा मोर ज़्यादा होते हैं। गरज कि ये सुहावने पहाड़ अभी तक लिखे मुताबिक मौजूद हैं और हर तरह से देखने के काबिल हैं। उन अय्यारों ने जो चुनार से क्रूर और नाजिम के संग आए थे, शहर में न जाकर इसी दिलचस्प जंगल में मैं क्रूर के अपना डेरा जमाया और आपस में ये राय हो गई कि सब अलग अलग जाकर अय्यारी करें तथा जब ज़रूरत हो जंगल में जफील बजाकर इकट्ठे हो जाया करें। बद्रीनाथ ने जो इन अय्यारों में सबसे ज़्यादा चालाक और होशियार था, ये राय निकाली कि एक दफ़ा सब कोई अलग अलग भेष बदल कर शहर में घुस जाएं और महल के सब आदमियों तथा लौंडियों बल्कि रानी तक की देख के पहचान आएँ तथा चाल चलन तजबीज कर नाम भी याद कर लें, जिससे वक्त पर अय्यारी करने के लिए सूरत बदलने और बातचीत करने में फ़र्क न पड़े। इस राय को सभी ने पसंद किया। नाजिम ने सभी का नाम बताया और जहाँ तक हो सका पहचानावा भी दिया। वे अय्यार लोग तरह तरह के भेष बदल कर महल में भी घुस गए और सब कुछ देखभाल आए, मगर अय्यारी का मौका चपला की होशियारी की वजह से किसी को न मिला और उनको अय्यारी करना मंजूर भी न था जब तक कि हर तरह से देखभाल ना लेते। जब वे लोग हर तरह से होशियार और वाकिफ हो गए तब अय्यारी करना शुरू किया। भगवान दत्त चपला की सूरत बना नौगढ़ में वीरेंद्र सिंह को फांसने के लिए चला। वहां पहुंचकर जिस कमरे में वीरेंद्र सिंह थे उसके दरवाजे पर पहुंच पहरे वाले से कहा, जाकर कुमार से कहो विजयगढ़ से चपला आई है। उस प्यादे ने जाकर खबर दी। कुछ रात गुजर गई थी। कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता की याद में बैठे तबीयत से हजारों युक्तियां निकाल रहे थे, बीच बीच में ऊंची सांस भी लेते जाते थे। उसी वक्त चौबदार ने आकर अर्ज किया, पृथ्वीनाथ विजयगढ़ से चपला आई है और ड्योढ़ी पर खड़ी है, क्या हुक्म होता है? कुमार चपला का नाम सुनते ही चौंक उठे और खुश होकर बोले, उसे जल्दी अंदर लाओ। हुक्म के बामुझिक चपला हाजिर हुई। कुमार चपला को देखकर उठ खड़े हुए और हाथ पकड़ अपने पास बैठा बातचीत करने लगे। चंद्रकांता का हाल पूछा। चपला ने कहा, अच्छी है, सिवाय आपकी याद के और किसी तरह की तकलीफ नहीं है। हमेशा कहा करती हैं बड़े बेमुरव्वत हैं, कभी खबर भी नहीं लेते कि जीती हैं या मर गई। आज घबरा कर मुझको भेजा है और ये दो नाशपतियाँ अपने हाथ से छील काट कर आपके वास्ते भेजी हैं तथा आपने सिर की कसम दी है इन्हें ज़रूर खिलाइएगा। वीरेंद्र सिंह चपला की बातें सुन बहुत खुश हुए। चंद्रकांता का इश्क पूरे दर्जे पर था, धोखे में आ गए, भले बुरे की तमीज़ न रही। चंद्रकांता की कसम कैसे टालते, झट नाशपति का टुकड़ा उठा लिया और मुँह से लगाया ही था कि सामने से आते हुए तेज सिंह दिखाई पड़े। तेज सिंह ने देखा वीरेंद्र सिंह बैठे हैं, देखते ही आग हो गए। ललकार कर बोले, खबरदार मुंह में मत डालना। इतना सुनते ही वीरेंद्र सिंह रुक गए और बोले, क्यों, क्या है? तेज सिंह ने कहा, मैं जाती बार हजार बार समझा गया, अपना सिर मार गया, मगर आपको ख्याल ना हुआ। कभी आगे भी चपला यहाँ आई थी, आपने क्या खाक पहचाना कि यह चपला है या कोई अय्यार? बस सामने रंडी को देख मीठी मीठी बातें सुन मज़े में आ गए। तेज सिंह की घुड़की सुन वीरेंद्र सिंह तो शर्मा गए और चपला के मुंह की तरफ देखने लगे, मगर नकली चपला से न रहा गया, फंस तो चुकी ही थी। झट खंजर निकालकर तेज सिंह पर दौड़ी। वीरेंद्र सिंह भी जान गए कि यह अय्यार है। उसको खंजर ले तेज सिंह पर दौड़ते देख लपक कर उसके हाथ से कलाई पकड़ी जिसमें खंजर था।
दूसरा हाथ कमर पर डाल लिया और सिर से ऊंचा करना ही चाहते थे कि फेंकें जिससे हड्डी पसली सब चूर हो जाए कि तेज सिंह ने आवाज़ दी। हाँ हाँ पटकना मत, मर जाएगा। यार लोगों का काम यही है, छोड़ दो, मेरे हवाले करो। यह सुन कमार ने उसे धीरे से ज़मीन पर पटक कर मुश्कें बांध तेज सिंह के हवाले किया। तेज सिंह ने ज़बरदस्ती उसके नाक में दवा ठूस बेहोश किया और गठरी में बांध किनारे रख बातें करने लगा। तेज सिंह ने कुमार को समझाया और कहा, देखिए जो हो गया सो हो गया, मगर अब धोखा मत खाइएगा। कुमार बहुत शर्मिंदा थे इसका कुछ जवाब न दें। विजयगढ़ का हाल पूछने लगे। तेज सिंह ने सब खुलासा ब्यौरा कहा और चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज जय सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह के नाम लिखी थी। कुमार ये सब सुन और चिट्ठी देख उछल पड़े। मारे खुशी के तेज सिंह को गले से लगाया और बोले, अब जो कुछ करना हो जल्दी कर डालो। तेज सिंह ने कहा, हाँ देखो सब कुछ हुआ जाता है, घबराओ मत। इसी तरह दोनों की बातें करते तमाम रात गुजर गई। सवेरा हुआ चाहता था जब तेज सिंह उस अय्यार की गठरी पीठ पर लादे उसी तहखाने की तरफ रवाना हुए जिसमें अहमद को कैद कराए थे। तहखाने का दरवाज़ा खोला, अंदर गए, टहलते टहलते चश्मे के पास जा निकले। देखा कि अहमद नहर के किनारे सोया है और हरदयाल सिंह एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर सिर झुकाए बैठे हैं। तेज सिंह को देखकर हरदयाल सिंह उठ खड़े हुए और बोले, क्यों तेज सिंह, मैंने क्या कसूर किया जो मुझको कैद कर रखा है? तेज सिंह ने हंसकर जवाब दिया, अगर कोई कसूर किया होता तो पैर में बेड़ी पड़ी होती, जैसा कि अहमद को आपने देखा होगा। आपने कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ एक दिन आपको रोक रखने से मेरा बहुत काम निकलता था, इसलिए मैंने ऐसी बेअदबी की, माफ़ कीजिएगा। अब आपको अख्तियार है, चाहे जहाँ जाए, मैं ताबेदार हूँ। विजयगढ़ में नेक ईमानदार इंसाफ पसंद सिवाय आपके कोई नहीं है। इस सबब से भी मैं मदद का उम्मीदवार हूँ। हरदयाल सिंह ने कहा, सुनो तेज सिंह, तुम खुद जानते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारा और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दोस्त हूँ। मुझको तुम लोगों की खिदमत करने में कोई उज्र नहीं। मैं तो आप हैरान था कि दोस्त आदमी को तेज सिंह ने क्यों कैद किया। पहले तो मुझको ये भी नहीं मालूम हुआ मैं यहाँ कैसे आया, मर के आया हूँ या जीते जी, पर जब अहमद को देखा तो समझ गया कि ये तुम्हारी ही करामात है। भला ये तो कहो, मुझको यहाँ रख कर तुमने क्या कार्रवाई की और अब मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? तेज सिंह, मैं आपकी सूरत बनाकर आपके जनाने में नहीं गया, इससे आप खातिर जमा रखिए। हरदयाल सिंह, तुमको तो मैं अपने लड़के से ज़्यादा समझता हूँ, अगर जनाने में जाते भी तो क्या था, खैर हाल कहो। तेज सिंह ने महाराज जय सिंह की चिट्ठी दिखाई, हरदयाल के कपड़े जो पहने हुए थे उनको दे दिए और सब खुलासा हाल के खोले। अब आप अपने कपड़े सहेज लीजिए और यह चिट्ठी लेकर दरबार में जाइए। राजा से मुझको मांग लीजिए जिससे मैं आपके साथ चलूँ, नहीं तो वे अय्यार जो चुनार से आए हैं विजयगढ़ को गारत कर डालेंगे और महाराज शिवदत्त अपना कब्जा विजयगढ़ पर कर लेंगे। मैं आपके संग चलकर उन अय्यारों को गिरफ्तार करूंगा। आप दो बातों का ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एक ये कि जहाँ तक बने मुसलमानों को बाहर कीजिए और हिंदुओं को रखिए, दूसरे ये कि कुंवर वीरेंद्र सिंह का हमेशा ध्यान रखिए और महाराज से बराबर उनकी तारीफ किया कीजिए, जिससे महाराज मदद के वास्ते उनको भी बुलाएं। हरदयाल सिंह ने कसम खाकर कहा, मैं हमेशा तुम लोगों का खैर ख्वाह हूँ, जो कुछ तुमने कहा है उससे ज़्यादा कर दिखाऊंगा। तेज सिंह ने अय्यार की गठरी खोली और एक खुलासा बेड़ी उसके पैर में डाली तथा अय्यारी का बटुआ और खंजर उसके कमरे से निकालने के बाद उसे होश में लाए। उसके चेहरे को साफ किया तो मालूम हुआ कि वह भगवान दत्त हैं। अय्यार होने के कारण चुनार के सब अय्यारों को तेज सिंह जानते थे और वे सब लोग भी उनको बखूबी जानते थे। तेज सिंह ने भगवान दत्त को नहर के किनारे छोड़ा और हरदयाल सिंह को साथ ले खो के बाहर चले। दरवाजे के पास आए हरदयाल सिंह से कहा, आप मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दें कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको फिर बेहोश करूं, तहखाने के बाहर होश में ले आऊँगा। हरदयाल सिंह ने कहा, इसमें मुझको कोई उज्र नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि इस तहखाने में आने का रास्ता देख लूं, ये तुम ही लोगों का काम है, मैं देखकर क्या करूँगा। तेज सिंह हरदयाल सिंह को बेहोश करके बाहर लाए और होश में लाकर बोले, अब आप कपड़े पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। उन्होंने वैसा ही किया। शहर में आकर तेज सिंह के कहे मुताबिक हरदयाल सिंह अलग होकर अकेले राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए।
राजा ने उनकी बड़ी खातिर की और हाल पूछा। उन्होंने बहुत कुछ कहने के बजाय महाराज जय सिंह की चिट्ठी दी, जिसको राजा ने इज्जत के साथ लेकर अपने वजीर जीत सिंह को पढ़ने के लिए दिया। जीत सिंह ने जोर से खत पढ़ा। राजा सुरेंद्र सिंह चिट्ठी सुनकर बहुत खुश हुए और हरदयाल सिंह की तरफ देखकर बोले, मेरा राज्य महाराज जय सिंह का है, जिसे चाहें बुला लें, मुझे कुछ उज्र नहीं। तेज सिंह आपके साथ जाएगा। ये कहकर अपने वजीर जीत सिंह को हरदयाल सिंह की मेहमानी का हुक्म दिया और दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह की मेहमानी 3 दिन तक बहुत अच्छी तरह से की गई, जिससे वह बहुत खुश हुए। 4th दिन दीवान साहब ने राजा से रुख्सत मांगी। राजा ने बहुत कुछ दौलत जवाहरात से उनकी विदाई की और तेज सिंह को बुला समझा बुझा कर दीवान साहब के संग किया। बड़े साज सामान के साथ ये दोनों विजयगढ़ पहुँचे और शाम को दरबार में महाराज के पास हाजिर हुए। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब दिया और सब हाल के हैं सुरेंद्र सिंह की बड़ी तारीफ की, जिससे महाराज बहुत खुश हुए और तेज सिंह को उसी वक्त खिलत देकर हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि इनके रहने के लिए मकान का बंदोबस्त कर दो और इनकी खातिरदारी और मेहमानी का बोझ अपने ऊपर समझो। दरबार उठने पर दीवान साहब तेज सिंह को साथ ले विदा हुए और एक बहुत अच्छे कमरे में डेरा डलवाया। नौकर और पहले वालों तथा प्यादों का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम कर दिया, जो सब हिंदू ही थे। 2रे दिन तेज सिंह महाराज के दरबार में हाजिर हुए। दीवान हरदयाल सिंह के बगल में एक कुर्सी उनके वास्ते मुकर्रर की गई। 15वां बयान। हम पहले लिख चुके हैं कि महाराज शिवदत्त के यहाँ जितने अयार हैं सभी को तेज सिंह पहचानते हैं। अब तेज सिंह को ये जानने की फिक्र हुई कि उनमें से कौन कौन से आए हुए हैं, इसलिए 2रे दिन शाम के वक्त उन्होंने अपनी सूरत भगवान दत्त की बनाई, जिसको तहखाने में बंद कराए थे, और शहर से निकल जंगल में इधर उधर घूमने लगे, पर कहीं कुछ पता न लगा। बरसात का दिन आ चुका था, रात अंधेरी और बदली छाई थी। आखिर तेज सिंह ने एक टीले पर खड़े होकर जफील बजाई। थोड़ी देर में तीनों अय्यार मैं पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के उस जगह पहुंचे और भगवान दत्त को खड़े देख बोले, बोले क्यों जी, तुम नौगढ़ गए थे ना, क्या किया, खाली क्यों चले आए? तेज सिंह ने सबों को पहचानने के बाद जवाब दिया, वहां तेज सिंह की बदौलत कोई कार्रवाई न चली, तुम लोगों में से कोई एक आदमी हमारे साथ चले तो काम बने। पन्ना, अच्छा कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे, आज चलो महल में कोई कार्रवाई करें। तेज सिंह, अच्छा चलो, मगर मुझको इस वक्त भूख बड़े जोरों की लगी है, कुछ खा लूँ तो काम में जी लगे, तुम लोगों के पास कुछ हो तो लाओ। जगन्नाथ, पास में तो जो कुछ है बेहोशी मिला है, बाजार से जाकर कुछ लाओ तो सब कोई खा पी कर छुट्टी करें। भगवान, अच्छा एक आदमी मेरे साथ चलो। पन्नालाल साथ हुए, दोनों शहर की तरफ चले। रास्ते में पन्नालाल ने कहा, हम लोगों को अपनी सूरत बदल लेनी चाहिए, क्योंकि तेज सिंह कल से इसी शहर में आया है और हम सबों को पहचानता भी है, शायद घूमता फिरता कहीं मिल जाए। भगवान दत्त ने यह सोचकर कि सूरत बदलेंगे तो रोगन लगाते वक्त शायद ये पहचान ले, जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं, कौन रात को मिलता है। भगवान दत्त के इनकार करने से पन्नालाल को शक हो गया और गौर से इनकी सूरत देखने लगा, मगर रात अंधेरी थी, पहचान न सका। आखिर को ज़ोर से जफील बजाई। शहर के पास आ चुके थे, अय्यार लोग दूर थे, जफील न सुन सके। तेज सिंह भी समझ गए कि इसको शक हो गया, अब देर करने की कुछ ज़रूरत नहीं, झट उसके गले में हार डाल दिया। पन्नालाल ने भी खंजर निकाल लिया। दोनों में खूब जोर की भिड़ंत हो गई। आखिर को तेज सिंह ने पन्ना को उठा के दे मारा और मुश्कें कस बेहोश कर गठरी बांध ली और पीठ पर लाद शहर की तरफ रवाना हुए। असली सूरत बनाए हुए डेरे पर पहुंचे। एक कोठरी में पन्नालाल को बंद कर दिया और पहरे वालों को सख्त ताकीद कर आप उसी कोठरी के दरवाजे पर पलंग बिछवा सो रहे। सवेरे पन्नालाल को साथ ले दरबार की तरफ चले। इधर रामनारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिष जी राह देख रहे थे। अब दोनों आदमी खाने का सामान लाते होंगे, मगर कुछ नहीं, यहाँ तो मामला ही दूसरा था। उन लोगों को शक हो गया कहीं दोनों गिरफ्तार न हो गए हों, मगर ये ख्याल में न आया कि भगवान दत्त असल में दूसरे ही कृपा निधान थे। उस रात को कुछ न कर सके, पर सवेरे सूरत बदलकर खोज में निकले। पहले महाराज जय सिंह के दरबार की तरफ चले, देखा कि तेज सिंह दरबार में जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे 10-15 सिपाही कैदी की तरह पन्नालाल को लिए चल रहे हैं। उन अय्यारों ने भी साथ ही साथ दरबार का रास्ता पकड़ा।
तेज सिंह पन्नालाल को साथ लिए दरबार में पहुंचे। देखा कि कचहरी खूब लगी हुई है, महाराज बैठे हैं। वह भी सलाम कर अपनी कुर्सी पर जा बैठे। कैदी को सामने खड़ा कर दिया। महाराज ने पूछा, क्यों तेज सिंह, किसको लाए हो? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज उन पांचों ये यारों में से जो चुनार से आए हैं, एक गिरफ्तार हुआ है, इसको सरकार में लाया हूं, जो इसके लिए मुनासिब हो हुक्म किया जाए। महाराज गौर के साथ खुशी भरी निगाह से उसकी तरफ देखने लगे और पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मक्कार खां उफ अय्यार खां। महाराज खां उसकी ढिठाई और बात पर हंस पड़े। हुक्म दिया, बस इससे ज़्यादा पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे कैद खाने में ले जाकर इसको बंद करो और सख्त पहरा बिठा दो। हुक्म पाते ही प्यादों ने उस अय्यार के हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी और कैद खाने की तरफ ले गए। महाराज ने खुश होकर तेज सिंह को 100 अशरफी इनाम में दी। तेज सिंह ने खड़े होकर महाराज को सलाम किया और अशरफियां बटुए में रख ली। राम नारायण बद्रीनाथ और ज्योतिषी भेस बदले दरबार में खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। जब पन्नालाल को कैद खाने का हुक्म हुआ, वे लोग भी बाहर चले आए और आपस में सलाह कर भारी चालाकी की। किनारे जाकर बद्रीनाथ ने तो तेज सिंह की सूरत बनाई और रामनारायण और ज्योतिष जी प्यादे बनकर तेजी के साथ उन सिपाहियों की तरफ चले जो पन्नालाल को कैद खाने की तरफ लिए जा रहे थे। पास पहुंचकर बोले, ठहरो ठहरो, इस नालायक अय्यार के लिए महाराज ने दूसरा हुक्म दिया है, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था कि कैद खाने में इसके संगी साथी इसको किसी न किसी तरह छुड़ा ले जाएंगे। अगर मैं इसको अपनी हिफाजत में रखूंगा तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने ही इसको पकड़ा है, मेरी ही हिफाजत में यह रह भी सकेगा, सो तुम लोग इसको मेरे हवाले करो। प्यादे तो जानते ही थे कि इसको तेज सिंह ने पकड़ा है, कुछ इनकार न किया और उसे उनके हवाले कर दिया। नकली तेज सिंह ने पन्नालाल को ले जंगल का रास्ता लिया। उसके चले जाने के बाद उसका हाल कर्ज करने के लिए प्यादे फिर दरबार में लौट आए। दरबार उसी तरह लगा हुआ था, तेज सिंह भी अपनी जगह बैठे थे। उनको देख प्यादों के होश उड़ गए और अर्ज़ करते करते रुक गए। तेज सिंह ने उनकी तरफ देख कर पूछा, क्यों, क्या बात है, उस अय्यार को कैद कराए? प्यादों ने डरते डरते कहा, जी उसको तो आप ही ने हमसे ले लिया। तेज सिंह उसकी बात सुनकर चौंक पड़े और बोले, मैंने क्या किया है, मैं तो तब से इसी जगह बैठा हूँ। प्यादों की जान डर और ताज्जुब से सूख गई, कुछ जवाब न दे सके, पत्थर की तस्वीर की तरह जैसे के तैसे खड़े हो गए। महाराज ने तेज सिंह की तरफ देख कर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तेज सिंह ने कहा, महाराज अय्यार चालाकी खेल गए, मेरी सूरत बना उसी कैदी को इन लोगों से छुड़ा ले गए। तेज सिंह ने अर्ज़ किया, महाराज इन लोगों का कसूर नहीं, अय्यार लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़ों को धोखा दे जाते हैं, इन लोगों की क्या हकीकत है? तेज सिंह के कहने से महाराज ने उन प्यादों का कसूर माफ किया, मगर उस अय्यार के निकल जाने का रंज देर तक रहा। बद्रीनाथ वगैरह पन्नालाल को लिए हुए जंगल में पहुंचे। उस पेड़ के नीचे बैठकर उनका हाल पूछा। उसने सब हाल कहा। अब इन लोगों को मालूम हुआ कि भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने पकड़ के कहीं छिपाया है। ये सोच सभी ने पंडित जगन्नाथ से कहा, आप रमल के जरिए दरियाफ्त कीजिए कि भगवान दत्त कहाँ हैं। ज्योतिष ने रमल फेंका और कुछ गिन गिना कर कहा, बेशक भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने ही पकड़ा है और यहाँ से 2 कोस उत्तर की तरफ एक खो में कैद कर रखा है। ये सुन सभी ने उस खो की तरफ का रास्ता लिया। ज्योतिषी बार बार रमल फेंकते और विचार करते हुए उस खो तक पहुँचे और अंदर गए। जब उजाला नजर आया तो देखा सामने एक फाटक है, मगर ये नहीं मालूम होता था किस तरह खुलेगा। ज्योतिषी ने फिर रमल फेंका और सोचकर कहा, यह दरवाज़ा एक तिलिस्म के साथ मिला हुआ है और रमल तिलिस्म में कुछ काम नहीं कर सकता, इसके खोलने की कोई तरकीब निकाली जाए तो काम चले। लाचार वे उस सब उस खो के बाहर निकल आए और अय्यारी की फिक्र करने लगे। 16वां बयान। एक दिन तेज सिंह बलाद्वी के लिए विजयगढ़ के बाहर निकले। पहर दिन बाकी था जब घूमते फिरते बहुत दूर निकल गए। देखा कि एक पेड़ के नीचे कुंवर वीरेंद्र सिंह बैठे हैं। उनकी सवारी का घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ है। सामने एक बारहसिंघा मरा पड़ा है, उसके एक तरफ आग सुलग रही है और पास जाने पर देखा कि कुमार के सामने पत्तों पर कुछ टुकड़े गोश्त के भी पड़े हैं।
तेज सिंह को देखकर कुमार ने जोर से कहा, आओ भाई तेज सिंह, तुम तो विजयगढ़ ऐसे गए फिर खबर भी ना ली, क्या हमको एकदम ही भूल गए? तेज सिंह हंसकर, विजयगढ़ में भी आप ही का काम कर रहा हूँ कि अपने बाप का? वीरेंद्र सिंह, अपने बाप का, ये कहकर हंस पड़े। तेज सिंह ने इस बात का कुछ जवाब न दिया और हंसते हुए पास जा बैठे। कुमार ने पूछा, कहो चंद्रकांता से मुलाकात हुई थी? तेज सिंह ने जवाब दिया, इधर जब से मैं गया हूँ इसी बीच में एक अय्यार को पकड़ा था। महाराज ने उसको कैद करने का हुक्म दिया, मगर कैद खाने तक पहुंचने न पाया था कि रास्ते ही में मेरी सूरत बनाकर उसके साथी अय्यारों ने उसे छुड़ा लिया। फिर अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कुमार, वे लोग भी बड़े शैतान हैं। तेज सिंह, और तो जो हैं, बद्रीनाथ भी चुनार से इन लोगों के साथ आया है, वह बड़ा भारी चालाक है, मुझको अगर खौफ रहता है तो उसी का। खैर देखा जाएगा, क्या हर्ज है। ये तो बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई आदमी भी साथ नहीं है? कुमार, आज मैं कई आदमियों को साथ लेकर सवेरे ही शिकार के लिए निकला, दोपहर तक तो हैरान रहा, कुछ हाथ न लगा। आखिर को ये बारहसिंगा सामने से निकला और मैंने इसके पीछे घोड़ा फेंका, इसने मुझको बड़ा हैरान किया। संघ के सब साथी छूट गए, अब इस समय तीर खाकर गिरा है। मुझको भीख भूख बड़ी ज़ोर से लगी थी, इससे जी में आया कि कुछ गोश्त भून के खाऊं। इसी फिक्र में बैठा था कि सामने से तुम दिखाई पड़े। अब लो तुम ही इसको भूनो, मेरे पास कुछ मसाला था, उसको मैंने धो धा कर इन टुकड़ों में लगा दिया है। अब तैयार रहो, तुम भी खाते हो मैं भी खाऊं, मगर जल्दी करो, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। तेज सिंह ने बहुत जल्द गोश्त तैयार किया और एक सोते के किनारे जहाँ साफ पानी निकल रहा था बैठकर दोनों खाने लगे। वीरेंद्र सिंह मसाला पोंछ पोंछ कर खाते थे। तेज सिंह ने पूछा, आप मसाला क्यों पोंछ रहे हैं? कुमार ने जवाब दिया, फीका अच्छा मालूम होता है। दो तीन टुकड़े खाकर वीरेंद्र सिंह ने सोते में से चुल्लू भर भर के खूब पानी पिया और कहा, बस भाई मेरी तबीयत भर गई, दिन भर भूखे रहने पर कुछ नहीं खाया जाता। तेज सिंह ने कहा, आप खाइए चाहे ना खाइए, मैं तो छोड़ता नहीं, बड़े मज़े का बन पड़ा है। आखिर जहाँ तक बन पड़ा खूब खाया, और तब हाथ मुंह धोकर बोले, चलिए अब आपको नौगढ़ पहुंचाकर फिर फिरेंगे। वीरेंद्र सिंह, चलो, कहकर घोड़े पर सवार हुए और तेज सिंह पैदल साथ चले। थोड़ी दूर जाकर तेज सिंह बोले, न मालूम क्यों मेरा सिर घूमता है। कुमार ने कहा, तुम मांस ज़्यादा खा गए हो, उसने गर्मी की है। थोड़ी दूर गए थे कि तेज सिंह चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़े। वीरेंद्र सिंह ने झट घोड़े पर से कूदकर उसके हाथ पैर खूब कस के गठरी पर बांध पीठ पर लाद लिया और घोड़े की बाग थाम विजयगढ़ का रास्ता लिया। थोड़ी दूर जाकर जोर से जफील बजाई जिसकी आवाज़ जंगल में दूर दूर तक गूंज गई। थोड़ी देर में क्रूर सिंह, पन्नालाल, राम नारायण और ज्योतिषी जी आ पहुंचे। पन्नालाल ने खुश होकर कहा, वाह जी बद्रीनाथ, तुमने तो बड़ा भारी काम किया, बड़े ज़बरदस्त को फांसा, अब क्या है ले लिया। क्रूर सिंह मारे खुशी के उछल पड़ा। बद्रीनाथ ने जो अभी तक कुंवर वीरेंद्र सिंह बना हुआ था गठरी पीठ से उतार जमीन पर रख दी और राम नारायण से कहा, तुम इस घोड़े को नौगढ़ पहुंचा दो, जिस अस्तबल से चुरा लाए थे उसी के पास छोड़ो, आप ही लोग बांध लेंगे। ये सुनकर राम नारायण घोड़े पर सवार हो नौगढ़ चला गया। बद्रीनाथ ने तेज सिंह की गठरी अपनी पीठ पर ला दी और अय्यारों को कुछ समझा बुना बुझाकर चुनार का रास्ता लिया। तेज सिंह का मामूल था कि रोज़ महाराज जय सिंह के दरबार में जाते और सलाम करके अपनी कुर्सी पर बैठ जाते। दो एक दिन महाराज ने तेज सिंह की कुर्सी खाली देखी। हरदयाल सिंह से पूछा, आजकल तेज सिंह नज़र क्यों नहीं आते, क्या तुमसे मुलाकात हुई थी? दीवान साहब ने अर्ज़ किया, नहीं मुझसे भी मुलाकात नहीं हुई, आज दरियाफ्त करके अर्ज़ करूँगा। दरबार बर्खास्त होने के बाद दीवान साहब तेज सिंह के डेरे पर गए। मुलाकात न होने पर नौकरों से दरियाफ्त किया, सभी ने कहा कई दिन से वे यहाँ नहीं आए हैं, हम लोगों ने बहुत खोज की मगर पता न लगा। दीवान हरदयाल सिंह ये सुनकर हैरान हो गए, अपने मकान पर जाकर सोचने लगे, अब क्या किया जाए, अगर तेज सिंह का पता न लगेगा तो बड़ी बदनामी होगी, जहाँ से हो खोज लगाना चाहिए।
आखिर बहुत से आदमियों को इधर उधर पता लगाने के लिए रवाना किया और अपनी तरफ से एक चिट्ठी नौगढ़ के दीवान जीत सिंह के पास भेजकर ले जाने वाले को ताकीद कर दी कि कल दरबार से पहले इसका जवाब लेकर आना। वह आदमी खत लिए शाम को नौगढ़ पहुंचा और दीवान जीत सिंह के मकान पर जाकर अपने आने की इत्तला करवाई। दीवान साहब ने अपने सामने बुलाकर हाल पूछा। उसने सलाम करके खत दिया। दीवान साहब ने गौर से खत को पढ़ा। दिल में यकीन हो गया कि तेज सिंह ज़रूर अय्यारों के हाथ पकड़ा गया। ये जवाब लिखकर कि वे यहाँ नहीं हैं आदमी को विदा कर दिया और अपने कई जासूसों को बुलाकर पता लगाने के लिए इधर उधर रवाना किया। दूसरे दिन दरबार में दीवान जीत सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह से अर्ज किया, महाराज कल विजयगढ़ से दीवान हरदयाल सिंह का पत्र लेकर एक आदमी आया था। वह दरियाफ्त किया था कि तेज सिंह नौगढ़ में है ही है कि नहीं, क्योंकि कई दिन से वह विजयगढ़ में नहीं है। मैंने जवाब में लिख दिया कि यहाँ नहीं है। राजा को यह सुन ताज्जुब हुआ और दीवान से पूछा, तेज सिंह वहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं आया तो कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अय्यारों के हाथ पड़ गया हो? क्योंकि महाराज शिवदत्त के कई अय्यार विजयगढ़ में पहुँचे हुए हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए अकेला तेज सिंह गया था। दीवान साहब ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ वह अय्यारों के ही हाथ में गिरफ्तार हो गया होगा। खैर, जो कुछ हो 2-4 दिन में मालूम हो जाएगा। कुंवर वीरेंद्र सिंह भी दरबार में राजा के दाहिनी तरफ कुर्सी पर बैठे यह बात सुन रहे थे। उन्होंने अर्ज़ किया, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह का पता लगाने जाऊँ? दीवान जीत सिंह ने यह सुन कुमार की तरफ देखा और हंसकर जवाब दिया, आपकी हिम्मत और जवामर्दी में कोई शक नहीं, मगर इस बात को सोचना चाहिए कि तेज सिंह के वास्ते, जिसका काम ही अय्यारी है और अय्यारों के हाथ फंस गया है, आप हैरान होने जाएं इसकी क्या ज़रूरत? ये तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी अय्यार को कोई अय्यार पकड़ता है तो सिवाय कैद रखने के जान से नहीं मारता। अगर तेज सिंह उन लोगों के हाथ में पड़ गया है तो कैद होगा, किसी तरह छूट ही जाएगा, क्योंकि वह अपने फ़न में बड़ा होशियार है। सिवाय इसके जो अय्यारी का काम करेगा, चाहे वह कितना ही चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी फंस ही जाएगा। फिर इसके लिए सोचना क्या, 10-5 दिन सब्र कीजिए, देखिए क्या होता है। इस बीच में अगर वह ना आया तो आपको जो कुछ करना हो कीजिएगा। वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया, हाँ आपका कहना ठीक है, मगर पता लगाना ज़रूरी है। ये सोचकर कि वह चालाक है खुद छूट आएगा, खोज न करना मुनासिब नहीं। जीत सिंह ने कहा, सच है, आपको मोहब्बत के सबब से उसका ज़्यादा ख्याल है। खैर, देखा जाएगा। ये सुन राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, और कुछ नहीं तो किसी को पता लगाने के लिए तो भेज ही दो। इसके जवाब में दीवान साहब ने कहा, कई जासूसों को पता लगाने के लिए मैं भेज चुका हूँ। राजा और कुंवर वीरेंद्र सिंह चुप ही रहे, मगर ख्याल इस बात का किसी के दिल से न गया। विजयगढ़ में दूसरे दिन दरबार में महाराज जय सिंह ने फिर हरदयाल सिंह से पूछा, कहीं तेज सिंह का पता लगा? दीवान साहब ने कहा, यहाँ तो तेज सिंह का पता नहीं लगता, शायद नौगढ़ में हो। मैंने वहाँ भी आदमी भेजा है, अब आता ही होगा, जो कुछ है मालूम हो जाएगा। ये बातें हो ही रही थी कि खत का जवाब लिए वह आदमी आ पहुंचा जो नौगढ़ गया था। हरदयाल सिंह ने जवाब पढ़ा और बड़े अफसोस के साथ महाराज से अर्ज़ किया कि नौगढ़ में भी तेज सिंह नहीं है, मैं उनके बाप जीत सिंह के हाथ का खत मेरे खत के जवाब में लाया है। महाराज ने कहा, उसका पता लगाने की कुछ फिक्र की गई है या नहीं? हरदयाल सिंह ने कहा, हाँ, कई जासूस मैंने इधर उधर भेजे हैं। महाराज को तेज सिंह का बहुत अफसोस रहा, दरबार बर्खास्त करके महल में चले गए। बात ही बात में महाराज ने तेज सिंह का जिक्र महारानी से किया और कहा, किस्मत का फेर इसे ही कहते हैं। क्रूर सिंह ने तो हलचल मचा ही रखी थी, मदद के वास्ते एक तेज सिंह आया था, सो कई दिन से उसका भी पता नहीं लगता। अब मुझे इसके लिए सुरेंद्र सिंह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तेज सिंह का चाल चलन, बातचीत, इल्म और चलाकी पर जब ख्याल करता हूँ तबीयत उमड़ आती है। बड़ा लायक लड़का है, उसके चेहरे पर उदासी तो कभी देखी नहीं। महारानी ने भी तेज सिंह के हाल पर बहुत अफसोस किया। इत्तेफाक से चपला उस वक्त वहीं खड़ी थी। ये हाल सुन वहाँ से चली और चंद्रकांता के पास पहुँची। तेज सिंह का हाल जब कहती थी जी उमड़ आता था, कुछ कह ना सकती थी। चंद्रकांता ने उसकी दशा देख पूछा, क्यों, क्या है?
इस वक्त तेरे अजब हालात हो रहे हैं, कुछ मुंह से तो कह। इस बात का जवाब देने के लिए चपला ने मुंह खोला ही था कि गला भर आया, आंखों से आंसू टपक पड़े, कुछ जवाब न दे सकी। चंद्रकांता को और भी ताज्जुब हुआ, पूछा, तू रोती क्यों है, कुछ बोल भी तो। आखिर चपला ने अपने को संभाला और बड़ी मुश्किल से कहा, महाराज की जबानी सुना है कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अयारों ने गिरफ्तार कर लिया। अब वीरेंद्र सिंह का आना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उनका वही एक बड़ा सहारा था। इतना कहा ही था कि पूरे तौर से आंसू भर आए और खूब खुलकर रोने लगी। इसकी हालत से चंद्रकला समझ गई कि चपला भी तेज सिंह को चाहती है, मगर सोचने लगी कि चलो अच्छा ही है, इसमें भी हमारा ही भला है। मगर तेज सिंह के हाल और चपला की हालत पर बहुत अफसोस हुआ। फिर चपला से कहा, उनको छुड़ाने की यही फिक्र हो रही है, क्या तेरे रोने से वे छूट जाएंगे, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो मैं ही कुछ करूं। चपला भी वहां बैठी ये अफसोस भरी बातें सुन रही थी, बोली, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह की खोज में जाऊं। चपला ने कहा, अभी तू इस लायक नहीं हुई है। चंपा बोली, क्यों, अब मेरे में क्या कसर है, क्या मैं अय्यारी नहीं कर सकती। चपला ने कहा, हाँ अय्यारी तो कर सकती है, मगर उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती जिन लोगों ने तेज सिंह जैसे चालाक अय्यार को पकड़ लिया। हाँ, मुझको राजकुमारी हुक्म दे तो मैं खोज में जाऊँ। चंद्रकांता ने कहा, इसमें भी हुक्म की ज़रूरत, तेरी मेहनत से अगर वे छूटेंगे तो जन्म भर उनको कहने लायक रहेगी, अब तू जाने में देर मत कर, जा। चपला ने चंपा से कहा, देख मैं जाती हूँ, पर अय्यार लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद कुछ नया बखेड़ा मचे। खैर, और तो जो होगा देखा जाएगा, तू राजकुमारी से होशियार रही हो, अगर तुझसे कुछ भूल हुई या राजकुमारी पर किसी तरह की आफत आई तो जन्म भर तेरा मुंह न देखूंगी। चंपा ने कहा, इस बात से आप खातिर जमा करें, मैं बराबर होशियार रहा करूंगी। चपला अपनी अय्यारी के सामान से लैस हो और कुछ दक्षिणी ढंग के जेवर तथा कपड़े साथ ले तेज सिंह की खोज में निकली। 17वां बयान। चपला कोई साधारण औरत न थी, खूबसूरती और नज़ाकत के अलावा उसमें ताकत भी थी। दो चार आदमियों से लड़ जाना या उनको गिरफ्तार कर लेना उसके लिए एक अदना सा काम था। शस्त्र विद्या को पूरे तौर से जानती थी, अय्यारी के फन के अलावा और भी कई गुण उसमें थे। गाने और बजाने में उस्ताद, नाचने में कारीगर, आतिशबाजी बनाने का बड़ा शौक। कहाँ तक लिखें, कोई फन ऐसा ना था जिसको चपला ना जानती हो। रंग उसका गोरा, बदन हर तरह सुडौल, नाजुक हाथ पांव की तरफ ख्याल करने से ही यही जाहिर होता था, इसे एक फूल से मारना खून करना है। उसको जब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती थी तो अपनी खूबसूरती जानबूझकर बिगाड़ डालती या भेस बदल लेती थी। अब इस वक्त शाम हो गई, बल्कि कुछ रात भी जा चुकी है, चंद्रमा अपनी पूरी किरणों से निकला हुआ है, चपला अपनी असली सूरत में चली जा रही है। अय्यारी का बटुआ बगल में लटकाए, कमंद कमर में कसे और खंजर भी लगाए हुए जंगल ही जंगल कदम बढ़ाए जा रही है। तेज सिंह की याद ने उसको ऐसा बेकल कर दिया है कि अपने बदन की भी खबर नहीं। उसको ये मालूम नहीं वह किस काम के लिए बाहर निकली है या कहाँ जा रही है, उसके आगे क्या है, पत्थर या गड्ढा, नदी है या नाला, खाली पैर बढ़ाए चले जाना यही उसका काम है। आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही हैं, सारा कपड़ा भीग गया है, थोड़ी थोड़ी दूर पर ठोकर खाती है, उंगलियों से खून निकल रहा है, मगर उसको इसका भी ख्याल नहीं। आगे एक नाला आया जिस पर चपला ने कुछ ध्यान न दिया और धम्म से उस नाले में गिर पड़ी, सिर फट गया, खून निकलने लगा, कपड़े बदन के सब भीग गए। अब उसको इस बात का ख्याल हुआ कि तेज सिंह को छुड़ाने या खोजने चली है। उसके मुंह से झट ये बात निकली, हाय प्यारे, मैं तुमको बिल्कुल भूल गई, तुम्हारे छुड़ाने की फिक्र मुझको जरा भी न रही, उसी की यह सजा मिली। अब चपला संभल गई और सोचने लगी वह किस जगह है। खूब गौर करने पर उसे मालूम हुआ रास्ता बिल्कुल भूल गई है और एक भयानक जंगल में आ फंसी है। कुछ क्षण के लिए तो वह बहुत डर गई, मगर फिर दिल को संभाला, उस खतरनाक नाले से पीछे फिरी और सोचने लगी, इसमें तो कोई शक नहीं कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अय्यारों ने पकड़ लिया है, तो ज़रूर चुनार ही ले भी गए होंगे। पहले वहीं खोज करनी चाहिए, जब ना मिलेंगे तो दूसरी जगह पता लगाऊंगी। यह विचार कर चुनार का रास्ता ढूंढने लगी।
हज़ार खराबी से आधी रात गुजर जाने के बाद रास्ता मिला। तब सीधे चुनार की तरफ पहाड़ ही पहाड़ चल निकली। जब सुबह करीब हुई उसने अपनी सूरत एक मर्द सिपाही की सी बना ली। नहाने धोने खाने पीने की कुछ फिक्र नहीं, सिर्फ रास्ता तय करने की उसको धुन थी। आखिर भूखी प्यासी शाम होते चुनार पहुंची। दिल में ठान लिया था कि जब तक तेज सिंह का पता न लगेगा अन्न जल ग्रहण न करूंगी। कहीं आराम न लिया इधर उधर ढूंढने और तलाश करने लगी। एकाएक उसे कुछ चालाकी सूझी। उसने अपनी सूरत पन्ना लाल की सी बना ली और घसीटा सिंह अय्यार के डेरे पर पहुंची। हम पहले लिख चुके हैं कि छह अय्यारों में से चार अय्यार विजयगढ़ गए हैं और घसीटा सिंह और चुन्नी लाल चुनार में ही रह गए हैं। घसीटा सिंह पन्ना लाल को देखकर उठ खड़े हुए और साहब सलामत के बाद पूछा, कहो पन्ना लाल अब की बार किसको लाए? पन्ना, इस बार लाए तो किसी को नहीं, सिर्फ इतना पूछने आए हैं कि नाजिम यहाँ है या नहीं, उसका पता नहीं लगता। घसीटा, यहाँ तो नहीं आया। पन्ना, फिर उसको पकड़ा किसने? वहाँ तो अब कोई अय्यार नहीं है। घसीटा, ये मैं नहीं कह सकता कि वहाँ और भी कोई अय्यार है या नहीं, सिर्फ तेज सिंह का नाम तो मशहूर था सो कैद हो ही गए, इस वक्त किले में पड़े बंद रोते होंगे। पन्ना, खैर कोई हर्ज नहीं, पता लग ही जाएगा, अब जाता हूँ, रुक नहीं सकता। ये कह नकली पन्ना लाल वहाँ से रवाना हुए। अब चपला का जी ठिकाने हुआ, यह सोचकर कि तेज सिंह का पता लग गया और वह यहीं मौजूद हैं, कोई हर्ज नहीं, जिस तरह होगा छुड़ा लेगी। वह मैदान में निकल गई और गंगा जी के किनारे बैठ अपने बेटुए में से कुछ मेवा निकाल के खाया। गंगा जल पी के निश्चिंत हुई और तब अपनी सूरत एक गाने वाली औरत की बनाई। चपला को खूबसूरत बनने की कोई ज़रूरत न थी, वह खुद ऐसी थी कि हज़ार खूबसूरतों का मुकाबला करे, मगर इस सबब से कि कोई पहचान न ले उसको अपनी सूरत बदलनी पड़ी। जब हर तरह से लैस हो गई, एक वंशी हाथ में ले राजमहल के पिछवाड़े की तरफ जाए एक साफ जगह बैठ गई और चढ़ी आवाज़ में एक बिरहा गाने लगी। एक बार स्वयं गाकर फिर उसी गत को वंशी पर बजाती। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। राजमहल में शिवदत्त सिंह महल की छत पर महारानी के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। एकाएक गाने की आवाज़ उनके कानों में गई और महारानी ने भी सुनी। दोनों ने बातें करना छोड़ दिया और कान लगाकर गौर से सुनने लगे। थोड़ी देर बाद वंशी की आवाज़ आने लगी जिसका बोल साफ मालूम पड़ता था। महाराज की तबीयत बेचैन हो गई। झट लौंडी को बुलाकर हुक्म दिया, किसी को कहो अभी जाकर उसको इस महल के नीचे ले आए जिसके गाने की आवाज़ आ रही है। हुक्म पाते ही पहरेदार दौड़ गए, देखा कि एक नाजु बदन बैठी गा रही है। उसकी सूरत देखकर लोगों के हवास ठिकाने न रहे। बहुत देर के बाद बोले, महाराज ने महल के करीब आपको बुलाया है और आपका गाना सुनने के लिए बहुत मुश्तक हैं। चपला ने कुछ इनकार न किया, उन लोगों के साथ साथ महल के नीचे चली आई और गाने लगी। उसके गाने ने महाराज को बेताब कर दिया, दिल को रोक न सके, हुक्म दिया कि उसको दीवान खाने में ले जाकर बिठाया जाए और रोशनी का बंदोबस्त हो, हम भी आते हैं। महारानी ने कहा, आवाज़ से यह औरत मालूम होती है, क्या हर्ज है अगर महल में बुला दी जाए? महाराज ने कहा, पहले उसको देख समझ लें तो फिर जैसा होगा किया जाएगा, अगर यहाँ आने लायक होगी तो तुम्हारी भी खातिर कर दी जाएगी। हुक्म की देर थी, सब सामान लैस हो गया, महाराज दीवान खाने में जा विराजे। बीबी चपला ने झुककर सलाम किया। महाराज ने देखा कि एक औरत निहायत हसीन, रंग गोरा सुरमई रंग की साड़ी और धानी बूटीदार चोली दक्षिणी ढंग पर पहने, पीछे से लांग बांधे, खुलासा गड़ारीदार जूड़ा कांटे से बांधे, जिस पर एक छोटा सा सोने का फूल, माथे पर एक बड़ा सा रोली का टीका लगाए, कानों में सोने की निहायत खूबसूरत जड़ाऊ बहन बालियाँ पहने, नाक में सरजा की नत, एक टीका सोने का और घुंघरूदार पटड़ी गूथन को गले में पहने, हाथ में बिना घुंडी का कड़ा व छिंदेली जिसके ऊपर काली चूड़ियाँ, कमर में लच्छेदार करधनी और पैर में सांकड़ा पहने, अजब आनब से खड़ी है। गहना तो मुख्तसर ही है मगर बदन की गठाई और सुडौली पर इतनी ही आफत हो रहा है। गौर से निगाह करने पर एक छोटा सा तिल ठुड्डी के बगल में देखा जो चेहरे को और भी रौनक दे रहा था। महाराज के होश जाते रहे, अपनी महारानी साहब को भूल गए जिस पर रिझे हुए थे, झट मुंह से निकल पड़ा, वाह क्या कहना, टकटकी बंद गई। महाराज ने कहा, आओ यहाँ बैठो।
बीबी चपला कमर को बल देती हुई अटखेलियों के साथ कुछ नज़दीक जा सलाम करके बैठ गई। महाराज उसके हुस्न के रोब में आ गए, ज़्यादा कुछ कह ना सके, एकटक सूरत देखने लगे। फिर पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है, कौन हो, काम क्या है? तुम्हारी जैसी औरत का अकेली रात के समय घूमना ताज्जुब में डालता है। उसने जवाब दिया, मैं ग्वालियर की रहने वाली पटलापा कत्थक की लड़की हूँ। रंभा मेरा नाम है। मेरा बाप बड़ा भारी गवैया था। एक आदमी पर मेरा जी आ गया। बात ही बात में वह मुझसे गुस्सा होकर चला गया। उसी की तलाश में मारी मारी फिरती हूँ। क्या करूँ, अक्सर दरबारों में जाती हूँ कि शायद कहीं मिल जाए, क्योंकि वह भी बड़ा भारी गवैया है। सो ताज्जुब नहीं किसी दरबार में हो। इस वक्त तबीयत की उदासी में यूं ही कुछ गा रही थी कि सरकार ने याद किया, हाजिर हुई। महाराज ने कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत भली है, कुछ गाओ तो अच्छी तरह सुनूं। चपला ने कहा, महाराज ने नाचीज़ पर बड़ी मेहरबानी की जो नज़दीक बुलाकर बिठाया और लौंडी को इज्जत दी। अगर आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो अपने मुलाजिम सरपदारों को तलब करें, वे लोग साथ दें तो कुछ गाने का लुत्फ आए। वैसे तो मैं हर तरह से ही गाने को तैयार हूँ। यह सुन महाराज बहुत खुश हुए और हुक्म दिया कि सरपदा हाजिर किया जाए। प्यादे दौड़े गए और सरपदाओं को सरकारी हुक्म सुनाया। वे सब हैरान हो गए कि 3 पहर रात गुजरे महाराज को ये क्या सूझी है, मगर लाचार होकर आना ही पड़ा। आकर जब एक चांद के टुकड़े को सामने देखा तो तबीयत खुश हो गई। कूढ़े हुए आए थे मगर अब खिल गए। झट साज मिला, करीने से बैठे। चपला ने गाना शुरू किया। अब क्या था, साज व सामान के साथ गाना, पिछली रात का समा महाराज को बुत बना दिया। सरपदा भी दंग हो गए। तमाम इल्म आज खर्च करना पड़ा। बेवक्त की महफिल थी, तिस पर भी बहुत से आदमी जमा हो गए। दो चीज़ दरबारी की गाई गई थी कि सुबह हो गई। फिर भैरवी गाने के बाद चपला ने गाना बंद करके अर्ज़ किया, महाराज अब सुबह हो गई, मैं अभी कल की थकी हुई हूँ क्योंकि दूर से आई थी, अब हुक्म हो तो रुखसत हूँ। चपला की बात सुन महाराज चौंक पड़े, देखा तो सचमुच सवेरा हो गया है। अपने गले से मोती की माला उतार कर इनाम में दी और बोले, अभी हमारा जी तुम्हारे गाने से बिल्कुल नहीं भरा है, कुछ रोज़ यहाँ ठहरो फिर जाना। रंभा ने कहा, अगर महाराज की इतनी मेहरबानी लौंडी के हाल पर है तो मुझको कोई उज्र रहने में नहीं। महाराज ने हुक्म दिया कि रंभा के रहने का पूरा बंदोबस्त हो और आज रात को आम महफिल का सामान किया जाए। हुक्म पाते ही सब सरंजाम हो गए। एक सुंदर मकान को रंभा का डेरा पड़ गया। नौकर मजदूर सब तैनात कर दिए गए। आज रात को आम महफिल थी, अच्छे आदमी सब इकट्ठे हुए, रंभा भी हाजिर हुई, सलाम करके बैठ गई। महफिल में कोई ऐसा न था जिसकी निगाह रंभा की तरफ ना हो। जिसको देखिए लंबी सांसें भर रहा है। आपस में सब यही कहते हैं, वाह क्या भोली सूरत है, क्यों कभी आज तक ऐसी हसीना तुमने देखी थी? रंभा ने गाना शुरू किया। अब जिसको देखिए मिट्टी की मूरत हो रहा है। एक गीत गाकर चपला ने अर्ज़ किया, महाराज एक बार नौगढ़ में राजा सुरेंद्र सिंह की महफिल में लौंडी ने गाया था, वैसा गाना आज तक मेरा फिर न जमा। वजह यह थी कि उनके दीवान के लड़के तेज सिंह ने मेरी आवाज़ के साथ मिलाकर बीन बजाई। हाय मुझको वह महफिल कभी न भूलेगी। 2-4 रोज़ हुआ मैं फिर नौगढ़ गई थी, मालूम हुआ वह गायब हो गया, तब मैं भी वहाँ न ठहरी, तुरंत वापस चली आई। इतना कह रंभा अटक गई। महाराज तो उस पर दिलोजान दिए बैठे थे। बोले, आजकल तो वह मेरे यहाँ कैद है, पर मुश्किल तो यह है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और कैद की हालत में वह कभी बीन न बजाएगा। रंभा ने कहा, जब वो मेरा नाम सुनेगा तो ज़रूर इस बात को कबूल करेगा, मगर उसको एक तरीके से बुलाया जाए, वह अलबत्ता मेरा संग देगा, नहीं तो मेरी भी न सुनेगा, क्योंकि वह बड़ा ज़िद्दी है। महाराज ने पूछा, वह कौन सा तरीका है? रंभा ने कहा, एक तो उसको बुलाने के लिए ब्राह्मण जाए और वह उम्र में 20 वर्ष से ज़्यादा ना हो। दूसरे, जब वह उसको लाए दूसरा कोई संग ना हो। अगर भागने का खौफ हो तो बेड़ी उसके पैरों में पड़ी रहे, इसका कोई मुजायका नहीं। तीसरे यह कि बीन कोई उम्दा होनी चाहिए। महाराज ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? इधर उधर देखा तो एक ब्राह्मण का लड़का चेतनाम नामी उस उम्र का नजर आया। उसे हुक्म दिया कि तू जाकर तेज सिंह को ले आ। मीर मुंशी ने कहा, तुम जाकर पहरे वालों को समझा दो कि तेज सिंह के आने में रोक टोक न करें। हाँ, एक बेड़ी उसके पैर में ज़रूर पड़ी रहे। हुक्म पाते चेतराम तेज सिंह को लेने गया और मीर मुंशी ने भी पहरे वालों को महाराज का हुक्म सुनाया। उन लोगों को क्या उज्र था, तेज सिंह को अकेले रवाना कर दिया।
तेज सिंह तुरंत समझ गए मेरा कोई दोस्त ज़रूर यहाँ आ पहुँचा है, तभी तो उसने ऐसी चालाकी की शर्त से मुझे बुलाया है। खुशी खुशी चेतराम के साथ रवाना हुए। जब महफिल में आए अजब तमाशा नज़र आया, देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी है और सब उसी की तरफ देख रहे हैं। जब तेज सिंह महफिल के बीच में पहुंचे, रंभा ने आवाज़ दी, आओ आओ तेज सिंह, रंभा कब से आपकी राह देख रही है, भला वह बीन कब भूलेगी जो आपने नौगढ़ में बजाई थी। ये कहते हुए रंभा ने तेज सिंह की तरफ देखकर बाईं आंख बंद की। तेज सिंह समझ गए ये चपला है, बोले रंभा तू आ गई, अगर मौत भी सामने नजर आती हो तब भी तेरे साथ बीन बजा के मरूंगा, क्योंकि तेरे जैसी गाने वाली भला काहे को मिलेगी। तेज सिंह और रंभा की बात सुनकर महाराज को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर धुन तो ये थी कब बीन बजे और रंभा गए। बहुत उम्दा बीन तेज सिंह के सामने रखी गई और उन्होंने बजाना शुरू किया। रंभा भी गाने लगी, अब जो समा बंधा उसकी क्या तारीफ की जाए। महाराज तो सकते किसी हालत में हो गए, औरों की कैफियत दूसरी हो गई। एक ही गीत का साथ देकर तेज सिंह ने कहा, बस मैं एक रोज़ में एक ही गीत या बोल बजाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको सुनने का ज़्यादा शौक हो तो कल फिर सुन लीजिएगा। रंभा ने भी कहा, हाँ महाराज, यही तो इनमें ऐब है। राजा सुरेंद्र सिंह जिनके यहाँ नौकर थे, कहते कहते थक गए, मगर इन्होंने एक न मानी, एक ही बोल बजा कर रह गए। क्या हर्ज है, कल फिर सुन लीजिएगा। महाराज सोचने लगे, ये भी अजब आदमी है, भला इसमें इसने इसका क्या फ़ायदा सोचा है। अफसोस मेरे दरबार में ये ना हुआ। रंभा ने भी बहुत कुछ उजर करके गाना महकूफ किया, सभी के दिल में हसरत बनी रह गई। महाराज ने अफसोस के साथ मजलिस बर्खास्त की और तेज सिंह फिर उसी चेतराम ब्राह्मण के साथ जेल में भेज दिए गए। महाराज को तो अब इश्क हो गया कि तेज सिंह की बीन के साथ रंभा का गाना सुने। फिर दूसरे रोज़ महफिल हुई और उसी चेतराम ब्राह्मण को भेजकर तेज सिंह बुलाए गए। उस रोज़ भी एक बोल बजाकर उन्होंने बीन रख दी। महाराज का दिल न भरा, हुक्म दिया कि कल पूरी महफिल हो। दूसरे दिन फिर महफिल का सामान हुआ, सब कोई आकर पहले ही से जमा हो गए, मगर रंभा महफिल में जाने के वक्त से घंटे भर पहले ही दांव बचा चेतराम की सूरत बना कैद खाने में पहुंची। पहरे वाले जानते ही थे कि चेतराम अकेला ही तेज सिंह को ले जाएगा, महाराज का हुक्म ही ऐसा है। उन्होंने ताला खोलकर तेज सिंह को निकाला और पैर में बेड़ी डाल चेतराम के हवाले कर दिया। चेतराम चपला उनको लेकर चलते बने। थोड़ी दूर जाकर चेतराम ने तेज सिंह की बेड़ी खोल दी। अब क्या था, दोनों ने जंगल का रास्ता लिया। कुछ दूर जाकर चपला ने अपनी सूरत बदल ली और असली सूरत में हो गई। अब तेज सिंह उनकी तारीफ करने लगे। चपला ने कहा, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मैं अपने को इतना चालाक नहीं समझती जितना आप तारीफ़ कर रहे हैं। फिर मुझको आपके छुड़ाने की कोई गरज भी न थी, सिर्फ चंद्रकांता की मुरव्वत से मैंने ये काम किया। तेज सिंह ने कहा, ठीक है, तुमको मेरी गरज काहे को होगी, गरजू तो मैं ठहरा कि तुम्हारे साथ सरपर्दा बना, जो काम बाप दादों ने ना किया था सो करना पड़ा। यह सुन चपला हंस पड़ी और बोली, बस माफ़ कीजिए, ऐसी बातें ना करिए। तेज सिंह ने कहा, वाह, माफ़ क्या करना है, मैं बगैर मजदूरी के ना छोड़ूंगा। चपला ने कहा, मेरे पास क्या है जो मैं दूं। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे लिए वही बहुत है। चपला ने कहा, खैर इन बातों को जाने दीजिए और ये कहिए, यहाँ से खाली ही चलिएगा या महाराज शिवदत्त को कुछ हाथ भी दिखाइएगा। तेज सिंह ने कहा, इरादा तो मेरा यही था, आगे तुम जैसे कहो। चपला ने कहा, ज़रूर कुछ करना चाहिए। बहुत देर तक आपस में सोच विचार कर दोनों ने एक चालाकी ठहराई, जिसे करने के लिए ये उस जगह से दूसरे घने जंगल में चले गए। अट्ठारहवां बयान। अब महाराज शिवदत्त की महफिल का हाल सुनिए। महाराज शिवदत्त महफिल में आविराजे। जब रंभा के आने में देर हुई तो एक चौबदार को कहा कि जाकर उसको बुला लाए, और चेतराम ब्राह्मण को तेज सिंह को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद चौबदार ने आकर अर्ज़ किया कि महाराज, रंभा तो अपने डेरे में नहीं है, कहीं चली गई। महाराज को बड़ा ताजुब हुआ, क्योंकि उसको जी से चाहने लगे थे, दिल में रंभा के लिए अफसोस करने लगे, और हुक्म दिया कि फ़ौरन उसे तलाश करने के लिए आदमी भेजे जाएं। इतने में चेतराम ने आकर दूसरी खबर सुनाई कि कैद खाने में तेज सिंह नहीं है। अब तो महाराज के होश उड़ गए, सारी महफिल दंग हो गई कि अच्छी गाने वाली आई जो सभी को बेवकूफ़ बनाकर चली गई। घसीटा सिंह और चुन्नीलाल अय्यार ने अर्ज़ किया, महाराज बेशक वह कोई अय्यार था जो इस तरह आकर तेज सिंह को छुड़ा ले गया। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर काम उसने काबिल इनाम के किया,
अय्यारों ने भी तो उसका गाना सुना था, महफिल में मौजूद ही थे। उन लोगों की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे कि उसको ना पहचाना। लानत है तुम लोगों के अय्यार कहलाने पर। ये कहकर महाराज गम और गुस्से से भरे हुए उठकर महल में चले गए। महफिल में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने अपने घर का रास्ता लिया। तमाम शहर में यह बात फैल गई, जिधर देखिए यही चर्चा थी। दूसरे दिन जब गुस्से में भरे हुए महाराज दरबार में आए तो एक चौबदार ने अर्ज किया, महाराज वह जो गाने वाली आई थी असल में वह औरत ही थी। वह चेतना मिश्र की सूरत बनाकर तेज सिंह को छुड़ा ले गई। मैंने अभी उन दोनों को उस सलाई वाले जंगल में देखा है। यह सुन महाराज को और भी ताज्जुब हुआ। हुक्म दिया कि बहुत से आदमी जाएं और उन्हें पकड़ लाएं। पर चौबदार ने अर्ज़ किया, महाराज इस तरह वे गिरफ्तार न होंगे, भाग जाएंगे। हाँ, घसीटा सिंह और चुन्नीलाल मेरे साथ चलें तो मैं दूर से इन लोगों को दिखला दूँ, ये लोग कोई चालाकी करके उन्हें पकड़ लेंगे। महाराज ने उस तरकीब को पसंद करके दोनों अय्यारों को चौबदार के साथ जाने का हुक्म दिया। चौबदार उन दोनों को लिए हुए उस जगह पहुंचा जिस जगह उसने तेज सिंह का निशान दिया था, पर देखा कि वहां कोई नहीं है। तब घसीटा सिंह ने पूछा, अब किधर देखें? उसने कहा, क्या ये ज़रूरी है कि वे तब से अब तक इसी पेड़ के नीचे बैठे रहें? इधर उधर देखिए, कहीं होंगे। ये सुन घसीटा सिंह ने कहा, अच्छा चलो तुम ही आगे चलो। वे लोग इधर उधर ढूंढने लगे। इसी समय एक अहारन सिर पर खचिए में दूध लिए आती नजर आई। चौबदार ने उसको अपने पास बुलाकर कहा, तूने इस जगह कहीं एक औरत और एक मर्द को देखा है? उसने कहा, हाँ हाँ उस जंगल में मेरा अडार है, बहुत गायें भैंसें मेरी वहाँ रहती हैं। अभी मैंने उन दोनों के हाथ 2 पैसे का दूध बेचा है और बाकी दूध लेकर शहर में बेचने जा रही हूँ। ये सुनकर चौबदार बतौर इनाम के 4 पैसे कमर से निकालकर उसको देने लगा, मगर उसने इनकार किया और कहा कि मैं तो सेंत के पैसे नहीं लेती। हाँ, 4 पैसे का दूध आप लोग लेकर पी लें तो मैं शहर जाने से बचूं और आपका एहसान मानूं। चौबदार ने कहा, क्या हर्ज है, तुम दूध ही दे दें। बस अहिरिन ने खांचा रख दिया और दूध देने लगी। चौबदार ने उन दोनों अय्यारों को कहा, आइए आप भी पीजिए। उन दोनों अय्यारों ने कहा, हमारा जी नहीं चाहता। वह बोली, अच्छा आपकी खुशी। चौबदार ने दूध पिया और तब फिर दोनों अय्यारों से कहा, वाह क्या दूध है, शहर में तो रोज़ आप पीते ही हैं, भला आज इसको भी तो पीकर मज़ा देखिए। उसके ज़िद करने पर दोनों अय्यारों ने भी दूध पिया और 4 पैसे दूध वाले को दे दिए। अब वे तीनों तेज सिंह को ढूंढने चले। थोड़ी दूर जाकर चौबदार ने कहा, न जाने क्यों मेरा सिर घूमता है। घसीटा सिंह बोले, मेरी भी वही दशा है। चुन्नी लाल तो कुछ कहा ही चाहते थे कि गिर पड़े। इसके बाद चौबदार और घसीटा सिंह भी ज़मीन पर लेट गए। दूध बेचने वाली बहुत दूर तक नहीं गई थी, उन तीनों को गिरते देख दौड़ती हुई पास आई और लखलखा सुंघाकर चौबदार को होशियार किया। वह चौबदार तेज सिंह थे, जब होश में आए अपनी असली सूरत बना ली। इसके बाद दोनों की मुश्कें बांध गठरी कस एक को चपला और दूसरे को तेज सिंह ने पीठ पर लाडला और नौगढ़ का रास्ता लिया। 19वां बयान। तेज सिंह को छुड़ाने के लिए जब चपला चुनार गई तब चंपा ने जी में सोचा कि अय्यार तो बहुत से आए हैं और मैं अकेली हूँ, ऐसा ना हो कभी कोई आफत आ जाए। ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिसमें अय्यारों का डर न रहे और रात को भी आराम से सोने में आए। ये सोचकर उसने एक मसाला बनाया। जब रात को सब लोग सो गए और चंद्रकांता भी पलंग पर जा लेटी तब चंपा ने उस मसाले को पानी में घोलकर जिस कमरे में चंद्रकांता सोती थी उसके दरवाजे के 2 गज इधर उधर लेप कर दिया और निश्चिंत हो राजकुमारी के पलंग के नीचे जा लेटी। इस मसाले में ये गुण था कि जिस जमीन पर उसका लेप किया जाए सूख जाने पर अगर किसी का पैर उस जमीन पर पड़े तो ज़ोर से पटाखे की आवाज़ आए, मगर देखने से यह ना मालूम हो कि इस ज़मीन पर कुछ लेप किया गया है। रात पर चंपा आराम से सोई रही, कोई आदमी उस कमरे के अंदर ना आया। सुबह को चंपा ने पानी से वह मसाला धो डाला। दूसरे दिन उसने दूसरी चालाकी की, मिट्टी की एक खोपड़ी बनाई और उसको रंग कर ठीक चंद्रकांता की मूर्त बनाकर जिस पलंग पर कुमारी सोया करती थी तकिए के सहारे वह खोपड़ी रख दी और धड़ की जगह कपड़ा रखकर एक हल्की चादर उस पर चढ़ा दी, मगर मुंह खुला रखा और खूब रोशनी करके उस चारपाई के चारों तरफ वही लेप कर दिया। कुमारी से कहा, आज आप दूसरे कमरे में आराम करें। चंद्रकांता समझ गई और दूसरे कमरे में जा लेटी। जिस कमरे में चंद्रकांता सोई उसके दरवाजे पर भी लेप कर दिया और जिस कमरे में पलंग पर खोपड़ी रखी थी उसके बगल में एक कोठरी थी, चिराग बुझाकर आप उसमें सो रही।
आधी रात गुजर जाने के बाद उस कमरे के अंदर से जिसमें खोपड़ी रखी थी पटाखे की आवाज़ आई। सुनते ही चंपा झट उठ बैठी और दौड़कर बाहर से किवाड़ बंद कर खूब गुल करने लगी। यहाँ तक कि बहुत सी लौंडियाँ वहाँ आकर इकट्ठी हो गई और एक ने जाकर महाराज को खबर दी कि चंद्रकांता के कमरे में चोर घुसा है। ये सुन महाराज खुद दौड़े आए और हुक्म दिया कि महल के पहरे से 10-5 सिपाही अभी आएँ। जब सब इकट्ठे हुए, कमरे का दरवाज़ा खोला गया, देखा कि राम नारायण और पन्नालाल दोनों अय्यार भीतर हैं। बहुत से आदमी उन्हें पकड़ने के लिए अंदर घुस गए। उन अय्यारों ने भी खंजर निकाल चलाना शुरू किया, 4-5 सिपाहियों को जख्मी किया, आखिर पकड़े गए। महाराज ने उनको कैद में रखने का हुक्म दिया और चंपा से हाल पूछा। उसने अपनी कार्रवाई कह सुनाई। महाराज बहुत खुश हुए और उसको इनाम देकर पूछा कि चपला कहाँ है। उसने कहा वो बीमार है। फिर महाराज ने और कुछ न पूछा, अपने आरामगाह में चले गए। सुबह को दरबार में महाराज ने उन अय्यारों को तलब किया। जब वे आए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पन्ना लाल बोला, सरतोड़ सिंह। महाराज को उसकी ढिठाई पर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे कि ये लोग बदमाश हैं, ज़रा भी नहीं डरते। खैर, ले जाकर इन दोनों को खूब होशियारी से कैद रखो। हुक्म के मुताबिक वे कैद खाने में भेज दिए गए। महाराज ने हरदयाल सिंह से पूछा, कुछ तेज सिंह का पता लगा? हरदयाल सिंह ने कहा, महाराज अभी तक तो पता नहीं लगा। ये अय्यार जो पकड़े गए हैं उन्हें खूब पीटा जाए तो शायद ये लोग कुछ बताएं। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर तेज सिंह आएगा तो नाराज़ होगा कि अय्यारों को क्यों मारा। ऐसा कायदा नहीं है। खैर, कुछ दिन तेज सिंह की राह देख लो, फिर जैसा मुनासिब होगा किया जाएगा। मगर एक बात का ख्याल रखना, वो ये कि तुम फौज के इंतज़ाम में होशियार रहना, क्योंकि शिवदत्त सिंह का चढ़ा आना अब ताजुब नहीं है। हरदयाल सिंह ने कहा, मैं इंतज़ाम से कोशिश होशियार हूँ, सिर्फ एक बात महाराज से इस बारे में पूछनी थी जो एकांत में अर्ज़ करूँगा। जब दरबार बर्खास्त हो गया तो महाराज ने हरदयाल सिंह को एकांत में बुलाया और पूछा, वो कौन सी बात है? उन्होंने कहा, महाराज, तेज सिंह ने कई बार मुझसे कहा था, बल्कि कुंवर वीरेंद्र सिंह और उनके पिता ने भी फरमाया था कि यहाँ के सब मुसलमान क्रूर के तरफदार हो रहे हैं, जहाँ तक हो इनसे कम काटना चाहिए। मैं देखता हूँ तो ये बात ठीक मालूम होती है, इसके बारे में जैसा हुक्म हो किया जाए। महाराज ने कहा, ठीक है, हम खुद इस बात के लिए तुमसे कहने वाले थे। खैर, अब कह देते हैं कि तुम धीरे धीरे सब मुसलमानों को नाजुक कामों से बाहर कर दो। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ये कह महाराज से रुखसत हो अपने घर चले आए। 20वां बयान। महाराज शिवदत्त सिंह ने घसीटा सिंह और चुन्नीलाल को तेज सिंह को पकड़ने के लिए भेजकर दरबार बर्खास्त किया और महल में चले गए। मगर दिल उनका रंभा की जुल्फों में ऐसा फंस गया था, किसी तरह निकल ही नहीं रहा था। उस दिन महारानी से भी हंसकर बोलने की नौबत न आई। महारानी ने पूछा, आपका चेहरा सुस्त क्यों है? महाराज ने कहा, कुछ नहीं, जागने से एक कैफियत है। महारानी ने फिर से पूछा, अपने वादा किया था कि उस गाने वाली को महल में लाकर तुमको भी उसका गाना सुनवाएंगे, सो क्या हुआ? जवाब दिया, वह हम ही लोगों को उल्लू बनाकर चली गई, तुमको किसका गाना सुनाए? ये सुनकर महारानी कलावती को बड़ा ताजुब हुआ। पूछा, कुछ खुलासा कहिए, क्या मामला है? इस समय मेरा जी ठिकाने नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। ये कहकर महाराज वहाँ से उठकर अपने खास कमरे में चले गए और पलंग पर लेटकर रंभा की याद करने और मन में सोचने लगे। ये रंभा कौन थी? इसमें तो कोई शक नहीं कि वह थी औरत ही। फिर तेज सिंह को क्यों छुड़ा ले गई? उस पर वह आशिक तो नहीं थी, जैसा कि उसने कहा था? हाय रंभा, तूने मुझे घायल कर डाला, क्या इसी वास्ते तू आई थी? क्या करूं, कुछ पता भी नहीं मालूम जो तुझको ढूंढूं। दिल की बेताबी और रंभा के ख्याल में रात भर नींद ना आई। सुबह को महाराज ने दरबार में आकर दरियाफ्त की, घसीटा सिंह और चुन्नीलाल तेज सिंह का पता लगाकर आए या नहीं। मालूम हुआ कि अभी तक वे लोग नहीं आए। ख्याल रंभा ही की तरफ लगा था। इतने में बद्रीनाथ, नाजिम, ज्योतिषी जी और क्रूर सिंह पर नज़र पड़ी। उन लोगों ने सलाम किया और एक किनारे बैठ गए। उन लोगों के चेहरे पर सुस्ती और उदासी देखकर और भी रंज पड़ गया, मगर कचहरी में कोई हाल उनसे न पूछा। दरबार बर्खास्त करके तखलिए में गए और पंडित बद्रीनाथ, क्रूर सिंह, नाजिम और जगन्नाथ ज्योतिषी को तलब किया। जब वे लोग आए और सलाम करके अदब के साथ बैठ गए, तब महाराज ने पूछा, कहो, तुम लोगों ने विजयगढ़ जाकर क्या किया? पंडित बद्रीनाथ ने कहा, हुजूर, काम तो यही हुआ कि भगवान दत्त को तेज सिंह ने गिरफ्तार कर लिया और पन्नालाल और राम नारायण को एक चंपा नामी औरत ने बड़ी चालाकी और होशियार से पकड़ लिया। बाकी मैं बच गया। उनके आदमियों में सिर्फ तेज सिंह पकड़ा गया,
जिसको ताबेदार ने हुजूर में भेज दिया था, सिवाय इसके और कोई काम नहीं हुआ। महाराज ने कहा, तेज सिंह को भी एक औरत छुड़ा ले गई। काम तो उसने सजा पाने लायक किया, मगर अफसोस, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वह औरत ही थी जो तेज सिंह को छुड़ा ले गई, मगर कौन थी ये ना मालूम हुआ। तेज सिंह को तो लेती ही गई, जीती जाती दफ़ा चुन्नीला और घसीटा सिंह पर भी मालूम होता है हाथ फेरती गई। वे दोनों उसकी खोज में गए थे, मगर अभी तक नहीं आए। क्रूर की मदद करने से मेरा नुकसान ही हुआ। खैर, अब तुम लोग ये पता लगाओ वह औरत कौन थी जिसने गाना सुनाकर मुझे बेताब कर दिया और सभी की आंखों में धूल डालकर तेज सिंह को छुड़ा ले गई। अभी तक उसकी मोहिनी सूरत मेरी आंखों के आगे फिर रही है। नाजिम ने तुरंत कहा, हुजूर, मैं पहचान गया, वह ज़रूर चंद्रकांता की सखी चपला थी। ये काम सिवाय उसके दूसरे का नहीं। महाराज ने पूछा, क्या चपला चंद्रकांता से भी ज़्यादा खूबसूरत है? नाजिम ने कहा, महाराज, चंद्रकांता को तो चपला क्या पावेगी, मगर उसके बाद दुनिया में कोई खूबसूरत है तो चपला ही, और वह तेज सिंह पर आशिक भी है। इतना सुन महाराज कुछ देर तक हैरानी में रहे, फिर बोले, चाहे जो हो, जब तक चंद्रकांता और चपला मेरे हाथ में लगेंगी मुझको आराम न मिलेगा। बेहतर है कि मैं इन दोनों के लिए जय सिंह को चिट्ठी लिखूं। क्रूर सिंह बोला, महाराज, जय सिंह चिट्ठी को कुछ न मानेंगे। महाराज ने जवाब दिया, क्या हर्ष है, अगर चिट्ठी पर कुछ ख्याल न करेंगे तो विजयगढ़ को फतेह ही करूँगा। ये कह मीर मुंशी को तलब किया। जब वह आ गया तो हुक्म दिया, राजा जय सिंह के नाम मेरी तरफ से खत लिखो कि चंद्रकांता की शादी मेरे साथ कर दें और दहेज में चपला को दे दें। मीर मुंशी ने बामुजिक हुक्म पर खत लिखा, जिस पर महाराज ने मोहर करके पंडित बद्रीनाथ को दिया और कहा, तुम ही इस चिट्ठी को लेकर जाओ, ये काम तुम ही से बनेगा। पंडित बद्रीनाथ को क्या उज्र था, खत लेकर उसी वक्त विजयगढ़ की तरफ रवाना हो गए।